पौधा काटने का एक रीजन है खून पसीने की कमाई है, दूध मिलेगा करके। तो हमारी लोकल भाषा में इसको बोलते हैं गीठी। काफ़ी प्यारी जगह है और बहुत अच्छे रूम बने हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। तो गाइस, व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने प्यारे से गाँव जागदौले से, जो डीडी हाट में पड़ता है। तो उस साइड को डीडी हाट है पार साइड, और इस साइड को वार साइड हमारा गांव जागदौलित है, और उस साइड को हाट गांव है, और यहां को सिटोली, फिर उसके बाद गणकोट पड़ता है इस साइड को। तो दिखाते हैं आपको सुबह का प्यारा सब व्यू, इतना बढ़िया आ रहा है। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, बस जस्ट थोड़ी देर बाद सूर्योदय होगा और इतना बढ़िया व्यू आएगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ, दिखाती हूँ अभी। तो गाइस, अब आ गई है धूप और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, झाड़ू पोछा करना है, और फिर मिलते हैं आपसे। और बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा था, मैं आपको थोड़ा सा अपना गांव भी दिखा देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अपना गांव नहीं दिखा रखा है, तो थोड़ी बहुत धुंध छाई हुई है, कोहरा टाइप का लगा हुआ है। कोहरा तो नहीं लगता वैसे यहाँ, फिर भी हल्का हल्का सा जैसे धुआं धुआं टाइप का हो रहा है, तो उतना साफ़ नहीं आ रहा, वरना पहाड़ पूरे साफ़ दिखते, पूरे क्लीन दिखते तो और अच्छा लगता। अब कुछ टाइम बाद बर्फ़ पड़ेगी और थोड़ा सा बारिश होगी, उसके बाद साफ़ दिखेंगे एकदम, फिर आपको दिखाया जाएगा। ये रहा खूबसूरत सब व्यू डीडी हाट का। शिवान पराल खे के ना, हमें पराल कि जाम जन ला रही हूँ रोडो, देख पराल खा, क्यों नहीं खा रहा है तू, हाँ खा, अरे ख कमरियो ख, ले आज मार ले मैच, दे दे बेरने जोशन गोन थी गोर बाछन। तो यार रत्त बेटे काम करन करन, इधु आफत आगे की बतू आप, झाड़ लगूने भी हो, पोछा लगूने भी हो, उतर मम्मी एक रॉट एल्डन बनी और पोछ ली उनने गाड़ी, क्योंकि पोछ हमेशा वही गार्डन में रॉट पॉल पकोनी भई हूँ, लेकिन आज मैं टाइम मैंने भी पट्टा है, इधु काम इधु काम इधु काम कर बेले, आज कुकुरा पूछा जश कोई उछो देगी, अके अंतर नहीं देगी, आ काम उछो उछो रोल पत्ते जी हो ना, इधु लल बलाट घर भी ने, अब खन खना यार बहुत ज्यादा भूख लग गए, मतलब भी हो सुनने वाली हूँ, चक्कर जो उनमें मेरे को यार अब खन हाँ, अब मम्मी लॉडले पका लेन, आज चाना रॉट पका लेन, तो मेरा कपाड़ पड़ा मस्त धुआन रहता बड़े, तब मैं टाइम ने ब्याह रॉट पकूना, तो फिर थर्ड बहुत मम्मी कर दिया रेल बाज दी आदमी लाग बढ़ ले, इधू नहीं सकम जो मतलब नहीं लाग पू सकम, तो अगर एक लो आदमी कदू कर पा लिया बाप रे, मम्मी उसे घनशाबाज कदू काम कर दिन भर बेचारी, एल में थोड़ा गुरबचना न्यार आना बड़ा इंशू इत खे, अब जनू उतर पर रोट उठा नू पैक खेल ले जन से, कि घाम लग जाए आप बहुत गंदवा से, आप बादल लग रही पर पिले चानू कस हूँ यार, रोटी छत पे लेके आई हूँ क्योंकि ठंडा हो रहा है और थोड़ा धूप में बैठ के खाएंगे, और बूबू ने अभी भी स्कूल पानी धूप में डाल दिया है, मतलब जो राशन पानी था थोड़ा तो हमने कल अंदर रख दिया जो सूख गया था, और जो नहीं सूखा है उसको आज दोबारा डाले, लेकिन आज बादल लगे हैं जल्दी उठाना पड़ेगा। तो खाने में लाई हूँ चावल की रोटी और भांग की चटनी और सब्जी भी लाई हूँ, लेकिन इसमें नहीं अटा रही थी ना, तो मैंने सब्जी साइड कर दी है, तो अब खाते हैं यार फटाफट से खाना, पैक खेत ले दौड़ नोल बीस कुल पानी हटा ले नोल, वो धनी टाइम से मैं कहाँ फुलाई भंगाली, आफत आ जाए यार आफत आ जाए, क्यों करी करना पेना गाँव घर में रह का, तो अल्लाह मिलूँ भी थोड़ी देर में, पहली रोट खा फिर मिलूँ तुम्हारी का, ठीक है यार। दोस्तों यहाँ पे बूबू और मम्मी बो रहे हैं कुछ सब्जियाँ, बूबू मूली बो रहे हैं और मम्मी ना यहाँ पे मटर की गुड़ाई कर दी है। यार इस पेड़ में ना काफ़ी सारे गीठी लगी हुई है, मुझे ये तोड़नी है, थोड़े तो नीचे अपने आप गिर जा रहे हैं, थोड़े जो बचे हैं उनको भी तोड़ते हैं, ये रहे ये भी है, तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो पेड़ था वो मैंने काट दिया है, क्योंकि यहाँ पे
छाया हो रही है, और इनको दे दिया है जानवरों को, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खाते हैं। इसको बोलते हैं तुषार हमारी पहाड़ी भाषा में। तो जानवर इनको बहुत अच्छे से खाते हैं, बकरियाँ ज़्यादा अच्छे से खाती हैं इसे, तो बकरियों के वहाँ पर ज़्यादा डाला है मैंने। खा खा। और दोस्तों मुझे पेड़ से ना इतनी गीठी भी मिली, क्योंकि पेड़ पर लगी थी और काटने की वजह से सारे नीचे गिरे, तो मैं इनको समेट के ला गई घर। अब ठंडियों में इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो हमारी लोकल भाषा में इसको बोलते हैं गीठी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना दोस्तों ज़रूर। ये देख सकते हैं इतने सारे मिले मुझे। तो यार ये तुषार का पौधा काटने का एक रीज़न है, क्योंकि जो राई हमने यहाँ पे बोई है इस खेत पे, यहाँ से लेके उस पार तक बोई है, जो कि हमारी ठंडियों भर के लिए हो जाता है। हरी सब्ज़ी हम खरीदते नहीं हैं, तो जितनी भी हमारी राई होती है हमारे घर के लिए पर्याप्त होती है। तो उस साइड पर पेड़ के नीचे जितने पौधे लगाए थे ना, वो पाल मतलब कि उस पर छाया की वजह से वो बढ़ नहीं रहे थे, बहुत छोटे हो रहे थे। तो इस साइड की जो राई बोई है यहाँ पर को ना काफ़ी बड़े पौधे हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर को थोड़ा छोटे थे। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी बड़ी हो गई है राई, यहाँ पे अलग वेराइटी की बोई है, थोड़ा कांटेदार टाइप की, और उस साइड की अलग बोई है, लेकिन वो बहुत छोटी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सिंचाई भी कर दी है, थोड़ा सा पानी लगा के बुब्बू ने, और बुब्बू ने कल इनकी ना गुड़ाई निलाई भी अच्छे से करी, और इस पर घर की खाद भी डाली है, ये गोबर डाल रखा है, तो ये जल्दी बड़े हो जाएंगे। अब कुछ टाइम, एक हफ्ते बाद तो ये खाने लायक ये वाली तो हो ही जाएगी, और ये वाली थोड़ा लेट होगी। यहाँ पर को कुछ मेथी भी हो रही है, ये अभी छोटी है, थोड़े टाइम बाद ये भी बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे मूली बो रखी है, इसके पत्ते काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। इस पौधे की वजह से यहाँ पर छाया हो रही थी, और यहाँ पर के पौधे बहुत छोटे हो रहे हैं, देखो ये सारी पत्तियाँ भी इस पर गिरी हैं, और ये पौधे बड़े भी नहीं रहे हैं। इस साइड के भी थोड़ा बड़े हो गए हैं, लेकिन यहीं पर के छोटे हैं, तभी ये काटना पड़ा आज। जानवरों के लिए चारा भी हो गया। तो यार दोस्तों घर का काम निपटा के अभी मैं आ गई हूँ खेत में, थोड़ा सा घास काटने के लिए। सोले मोले काट दिए हैं जानवरों के लिए, और आज से हम बोना स्टार्ट कर देते, बट खेत खाली नहीं हुए थे ना, तो हमने बोना शुरू नहीं किया है। तो इस साइड के खेतों में ना काफ़ी लोग बोने भी लग गए यहाँ से, और हम भी सबसे पहले यहीं बोएंगे, उसके बाद ये छोटे छोटे खेत जो घर के ही पास में है। तो यहाँ पर हमारा घर, और इस खेत से मुझे घास काटना है। तो ये घर है हमारा, और घर के नीचे पे आई हूँ मैं, यहाँ पे तीन खेत हैं हमारे, तो थोड़ा सा काट लेते हैं यहाँ से। शादी के टाइम पे यहाँ पे सिर्फ एक पौधा था केले का, अब आप देख सकते हैं इतना फैल गया ये, और इस पे बहुत सारे केले भी लगे हैं। तो यार दोस्तों एक भारी ले जाने के बाद एक डोका और है, क्योंकि ये छोटा वाला घास है वो भारी में नहीं आ रहा था, भारी से खुल जा रहा था, तो मैंने डोके के लिए छोड़ दिया वो छोटा वाला, तो थोड़ा सा और भरना है। तो मुझे ना अभी आमा की बात याद आ रही है, मेरी आमा सा कहती थी ना, मणि अपन खून पशुन बगाई, अपन खून गोर पाछन दोई, पर मणि दूधा तो आप झड़न। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है आज, तो इतना घास काट दिया, इतनी थकान लग गई है, तो मणि घास काट पे दूधा तो आप मिल लन, वरना बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। घास जो नहीं है काटो तो मार मार बैठो ना गुरबास दूध दयाल। तो घास काटना भी ज़रूरी है, अगर जानवर पाला है तो उसको खिलाना भी ज़रूरी है। तो ले जाती हूँ घर की ओर, मुझे ना दिन का खाना बनाना है। थोड़ा सा उस साइड है, यहाँ भी काटा था, और थोड़ा सा इस साइड है, यहाँ पर भी काटा था। कितनी मेहनत से घास काट के लाए हैं, और इनको देखो इतना बर्बाद कर रखा है ये, गजब बेइज्जती है यार। सारा का सारा खाना, वरना कल से घास नहीं काटूंगी मैं तुम्हारे लिए। खून पसीने की कमाई है, दूध मिलेगा करके, और ये इतना वेस्ट कर रहे हैं, खाएंगे नहीं तो दूध कहाँ से मिलेगा, है ना। तो इन्होंने सारा खाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यार गांव में काम का सीजन चल रहा है, तो सारे लोग अभी बोने के लिए आए हैं। एक ट्रैक्टर यहाँ पे है, एक उस साइड को है, और यहाँ पे आमा लोग बॉस लगाने के लिए आई हैं, झाड़ काटने आई हूँ। काटो यार काटो, आई मीन नजरा फोड़ दिया। यहाँ पे चाची ने गर्मा गर्म मटरी बनाई है, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं, पिछले बार भी ले गए थे, इनके आदमी मटरी खाने का बड़ा मन करता है, तो गर्म गर्म है, ताजी है, टेस्ट कर लूँ एक। हाँ हाँ ज़्यादा पकड़ना है। ज़्यादा क्यों पकड़ो, एक ही पकड़ूंगी। मेरे लिए भी पैक कर दो फिर। क्या कर रहे हो चाचा जी? अच्छा ये चाउमीन के लिए है, मैदे की? घर में ही बनाते हो, हाथ से ही, रेडीमेड वाला नहीं खरीदते? तो यार बिल्कुल प्योर है देखो, घर वाले कभी कभी खाएंगे आपकी दुकान में, खाया तो नहीं है चाउमीन वैसे, अब कभी आएंगे फिर खाएंगे। दो दो मशीन लगाए हैं।
एक मशीन यहाँ पे, इसका क्या काम हुआ फिर? ये पतली करता है, ये बनाता है रोटी। अच्छा आगे से काटता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो वाला? वो सेम है दोनों। अच्छा सेम ही है। सॉस भी डालो, इतनी ज्यादा क्यों दे रहे हो? फिर 30 रुपए की थोड़ा दो ना। अरे क्यों रहने? अरे नहीं तो चुप रहो, तो ऐसी आती रहती हूँ मैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। अपने एंकर के ज्यादा दे रहे हो क्या 30 रुपए के? तो यार दोस्तों, डीडी हाट में पहली बार भेड़ दिखाई देने, कितने प्यारे हैं, वाव। ए बाप रे, इतने सारे घोड़े और भेड़ एक लेजनला। बाय बाय। तो यार दोस्तों, मार्केट के जो हमारे रूम थे वो बन चुके हैं, दो रूम बने हैं। एक तो 3 रूम सेट वाला है पूरा, पूरी फैमिली वालों के लिए, और एक है 2 रूम सेट वाला। तो काफ़ी बेहतरीन बने, इसमें पेंट भी हुई है। एक अंदर है, ये बाहर वाला रूम है, बाहर वाला थोड़ा छोटा सा है। तो अब बगल वाला रूम दिखाते हैं आपको। तो यार ये है सेकेंड वाला रूम, यहाँ पे 3 कमरे हैं। एक ये हो गया, एक बहुत बड़ा है, और एक ये हो गया। अभी खाली है रूम, तो मेरी आवाज़ टकरा रही है। तो एक ये है, और एक और दिखाते हैं आपको, इसके अंदर है पर लाइट नहीं है इधर। ये बड़े से बना रखे हैं, एक रूम ये, और यहाँ वॉशरूम, ये है किचन, किचन भी काफ़ी बड़ा है पर लाइट नहीं है, उसे उसे दिखाई नहीं दे रहा है। और एक रूम ये है इसी के अंदर से, और ये एक और रूम। तो एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, और ये बाहर वाला पूरा हॉल टाइप का बना है, बहुत बड़ा है ये वाला। तो यार दोस्तों, छत से ना इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना दीदी, आज का पूरा मार्केट दिखाई दे रहा है। ये जस्ट सुभाष चौक के पास में है हमारा घर, ये आप देख सकते हैं, जस्ट सुभाष चौक के पास में। और यहाँ पे तिराह है, तो संपर्क कर सकते हैं आप अगर आपको रूम चाहिए तो। यहाँ से ना पंचाचली दिखाई देता है, बहुत प्यारा लगता है, बट अभी बादल से ढका हुआ है। साइड को दुनाकोट है, और इस साइड को पमशारी है, और ये डीडी हाट का मार्केट, नीचे छोटा सा नॉर्मल। यार काफ़ी प्यारी जगह है, और बहुत अच्छे रूम बने हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तो अब हमें देर हो रही है, क्योंकि हमें थल के लिए निकलना है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दिया जितना दिखाना था, और इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।